हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो मैं आप लोगों से आज थोड़ा बहुत बात करूंगी अपने लाइफ जर्नी के बारे में, यूट्यूब के जर्नी के बारे में। मेरा यूट्यूब जर्नी ज़्यादा खास नहीं है। मैं यूट्यूब चैनल तो बहुत पहले ही खोल रखा था, लेकिन मुझे उसके बारे में इतना अच्छे से अनुभव नहीं था, पता नहीं था। लेकिन मैंने बाद में, जब हमारा कोरोना आ गया, कोरोना आने के बाद हम लोग सब घर में बैठ गए, इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब में भी ट्राई करूं। तो हम, लेकिन बहुत छोटे से गांव से हैं, यहाँ पे यूट्यूब के बारे में किसी को मालूम नहीं है इतना, और कुछ उनको आता भी नहीं है। लेकिन मैंने यूट्यूब से थोड़ा सर्च कर करके थोड़ा देखा। देखने के बाद मैंने कोशिश किया, और एक साल डेढ़ साल से मैं ये कोशिश किए जा रही हूँ, लेकिन दोस्तों मेरा वॉच टाइम एकदम नहीं बढ़ रहा है। अगर आप लोग थोड़ा सा मदद करें और मुझे थोड़ा प्यार दे, तो शायद मैं भी अपने पैरों में खड़ी हो सकती हूँ। दोस्तों शादी के बाद तो सारा जीवन पति को, बच्चों को ही दे दिया। अब ये ऐसा लगता है कि मैं भी कुछ करूँ, मैं भी अपने पैर में खड़ी हूँ। उम्मीद किसी का भी, अगर आप, जब एक पैर अगर आपका कब्र में भी होना, तो भी उम्मीद कोई नहीं छोड़ता है। तो मेरा भी ऐसा ही एक सपना है कि मैं भी थोड़ा सा वायरल हूँ, लेकिन गलत तरीके से वायरल नहीं होना चाहती दोस्तों। गलत तरीके से होना चाहती तो मैं कब का ही हो जाती, लेकिन मैं गलत तरीके से वायरल नहीं होना चाहती हूँ। मैं थोड़ा सा नाम कमाना चाहती हूँ कि मैम अगर मर भी जाऊँ तो मेरे बच्चे मेरा वीडियो देख कर बोले कि नहीं, मेरी माँ अच्छी थी और मेरी माँ ने बहुत मेहनत किया है, बहुत जर्नी किया है, कुछ करने के लिए बहुत कोशिश किया है। और अगर देखती हूँ, अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा कामयाब बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा मेरा साथ देते हैं, तो शायद कामयाब हो जाऊँ। और अगर कामयाब ना भी हूँ तो भी दोस्तों इतना अफसोस नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं अगर मर भी जाऊँ तो मेरे ये सब वीडियो मेरे बच्चे देखेंगे, मेरी ये सब बातें सुनेंगे और मुझे याद करेंगे। तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा इमोशनल हो गई, मुझे याद करेंगे। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा मेरा मदद करें, मेरा साथ दें, तो शायद मैं जिंदा रहकर ही दो पैसे कमा कर अपने बच्चों को और थोड़ा अच्छा उनको थोड़ा अच्छा स्कूल में पढ़ा पाऊँगी, उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी अच्छा कर पाऊँगी। हमारा गांव है, छोटा सा गांव है, जहाँ कोई कमाई का ज़रिया नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत कोशिश करती हूँ दोस्तों कि मैं कुछ करूँ, तो आप लोग बुरा नहीं मानना, मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ। मेरे को गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, और मेरा दिल बहुत नरम है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती अपनी आँखों में, क्योंकि मैंने छोटे से बहुत दुख देखा है, बहुत दुख झेला है। इसीलिए मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे खुश रहे, वो हमेशा ये ना कह सके कि मेरे पापा मम्मी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े और अच्छा इंसान बने। हम लोग ने तो जितना भी पढ़ाई किया है, जो भी किया है, हमारा लाइफ तो गया दोस्तों। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चों को थोड़ा सा सक्सेस करूँ, थोड़ा अच्छा बनाऊँ। मेरी बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी है मेरे दोस्तों। मेरा बेटा थोड़ा सा नॉटी है, लेकिन छोटा है, वो अभी ठीक हो जाएगा। तो आप लोग अगर मेरा साथ दें तो ऊपर वाले के कृपा से और आप लोग के कृपा से मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो मैं आप लोगों को यही अनुरोध करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें, मुझे थोड़ा सा प्यार दें, कमेंट मेरे चैनल में करें, और मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है ये भी बताएं। मैं अपने बारे में बहुत कुछ है बताने को, मैं ज़रूर बताऊँगी। अगर मैं मेरा चैनल चल पड़ा तो मैं अपने बारे में बहुत कुछ है बताने को। मेरा स्टोरी कोई फिल्म स्टोरी से कम नहीं है। अगर आप लोग उसको बताऊंगी तो आप लोग भी ऐसा लगेगा आप लोग को कि शायद कोई फिल्म देख रहे हैं या फिर फिल्म की कहानी सुन रहे हैं। तो चलो, मैं ज़रूर बताऊंगी। तो
दोस्तों आज के लिए इतना ही, ज़्यादा लंबा वीडियो बना दिया तो आप लोग फिर देखेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत।